साहब देख रहे हैं मेरा चैनल आयुष शेयर बाजार विद आयुष में। तो और मैं हूँ आपका दोस्त आयुष। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्केट कैसा रहा आज और कल कैसा रह सकता है। तो हम अभी देखें दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक भी ज़रूर दबा देना। तो दोस्तों आज मार्केट -14.10 पे बंद हुआ है। निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 10.90, निफ्टी मिड कैप पॉजिटिव रहा और निफ्टी ऑटो और निफ्टी बैंक तो ये सब पॉजिटिव रहे हैं दोस्तों। पर निफ्टी 50 आज माइनस में बंद हुआ है और एडवांस और डिक्लाइन रेशियो 23/27 है। तो निफ्टी में सबसे आज अच्छे चढ़ने वाले शेयर देखिए कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो HCL, टेक, SBIN और SBI के ऊपर मैंने आज एक वीडियो बनाया था, अगर दोस्तों आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना। इसके टारगेट्स मैंने बताए हैं क्या रह सकते हैं आने वाले दिनों में। और देखिए टेक महिंद्रा, आइकन मोटर्स और टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स आई थिंक बहुत अच्छे से मूव कर रहा है और मेरे हिसाब से आप लोगों को टाटा मोटर्स ज़रूर खरीद के रखना चाहिए। पर टारगेट ऑफ ₹140 फॉर दिस मंथ एंड अराउंड 120 का आपको स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। और तीन टारगेट्स में अगर आपको दूँ तो आपको आप देख के चलिएगा 130, 133 और 140, ये तीन टारगेट्स होंगे जो आपको लेके चलने चाहिए। और जो मार्केट में आज लूजर्स रहे इस टॉप 5 निफ्टी में तो वो थे सिप्ला, कोटक बैंक, सन फार्मा, ब्रिटेनिया और डॉक्टर रेड्डी। तो ये सब आज लूजर्स रहे। और मोस्ट एक्टिव में आज बात करें तो SBI था, रिलायंस था, बजाज फाइनेंस था, HDFC बैंक था, एक्सिस बैंक था। तो हम अब दोस्तों निफ्टी बैंक के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि आज का हीरो निफ्टी PSU बैंक था, लेकिन निफ्टी बैंक भी अच्छा खासा आज मूव दिखाया, उसने लोअर पॉइंट से अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है निफ्टी बैंक में। तो सबसे पांच के जो टॉप रहे हैं वो SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC फर्स्ट और RBL बैंक। मैंने IDFC फर्स्ट बैंक और SBI के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, तो दोस्तों प्लीज़ अगर आप देखें उसको, और मैं आपको बताता हूँ अगर आपने वो देखा तो आप उससे बहुत अच्छी कमाई करेंगे। तो आज जो पांच बैंक नहीं चले, जो पांच टॉप लूजर्स रहे वो थे कोटक, बंधन, फेडरल, इंडस, ICICI। फेडरल बैंक पे मैंने बना रखा है। और अगर मैं आपको बात करूँ तो जो आज इन पांच बैंक में अपन को थोड़ी सी वो दिख रही है डाउन ट्रेंड, मेरे हिसाब से इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए क्योंकि फेडरल बैंक में आपको बता चुका हूँ कि 58 का टारगेट आपको आसानी से अचीव होता हुआ दिखेगा। और SBI का 210 और 215 मैंने दो टारगेट दे रखे हैं आपको, वो आपको आराम से दिखेंगे। और IDFC फर्स्ट बैंक का टारगेट तो 110% 35 अचीव होगा ही होगा। तो आप लोग इन सब में आपको ख़रीदारी की सलाह देता हूँ। बंधन बैंक से थोड़ा सा दूर रहिएगा अभी क्योंकि बंधन बैंक बहुत ज़्यादा लो दिखा रहा है अभी अपने, और मैं आपको इसको बाय करने की सलाह देता हूँ 280 पर, और स्टॉप लॉस बना के रखिएगा अपना 275, और फिर देखना है 280 तक अगर आ जाए तो ख़रीद लीजिएगा। कि बंधन बैंक ने शुरुआत बहुत अच्छी दिखाई थी पर अभी थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा देखने को मिल रही है इसके रिजल्ट्स के बाद से। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, और अगर आपको हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चेक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देगा। थैंक यू दोस्तों।